सैमसंग गैलेक्सी M55 वर्सेस OnePlus Nord CE 4 Lite। तो गाइस आज मैं कहने वाला हूँ इसी दोनों फोन का कैमरा टेस्ट, कैमरा कंपैरिजन, इंडोर आउटडोर बहुत सारे फोटोज और वीडियोस मैंने क्लिक की है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि इन दोनों में से किसके कैमरा क्वालिटी बेस्ट है। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखे रहे, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो में आप तक पहुँचाते रहे। हेलो वेलकम दोस्तों, मैं हूँ किशोर, आप देख रहे हो राधा बीट। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास सैमसंग गैलेक्सी M55 वर्सेज OnePlus Nord CE 4 Lite। तो गाइस बात करते पे सैमसंग गैलेक्सी M55 की, तो यहाँ पे आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है जहाँ पे प्राइमरी कैमरा लगा हुआ है 50 मेगापिक्सल का प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल। और गाइस बात करते पे OnePlus Nord CE 4 Lite की, तो यहाँ पे आपको ड्यूअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है जहाँ पे प्राइमरी कैमरा लगा हुआ है 50 मेगापिक्सल का प्लस 2 मेगापिक्सल। और गाइस बात करते पे दोनों ही फोन के फ्रंट साइड की, तो यहाँ पे आपको सैमसंग गैलेक्सी M55 के अंदर एक 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। और गाइस बात करते हैं OnePlus Nord CE 4 Lite की, तो यहाँ पे आपको एक 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। तो गाइस जैसे इस दोनों फोन का आप कैमरा ऐप ओपन करते हो तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स इस सभी फीचर्स को यूज़ करते हुए इसे मैंने ढेर सारे फोटोज और वीडियोज़ क्लिक किए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि इन दोनों में से किसका कैमरा क्वालिटी बेस्ट है। वैसे वीडियो के लास्ट में मैं मेरा ओपिनियन भी देने वाला हूँ कि मुझे पर्सनली इन दोनों में से किसका कैमरा क्वालिटी बेस्ट लगी। तो आइए चलिए देखते हैं कुछ फोटोज एंड वीडियो सैंपल। दोस्तों ये जो वीडियो देख रहे हो मैंने इसी OnePlus Nord CE 4 Lite और इसी सैमसंग गैलेक्सी M55 के फ्रंट कैमरे को यूज़ करते हुए क्लिक की है। यानी कि इन दोनों में से किसी एक स्मार्टफोन से आप व्लॉगिंग वगैरह करते हो तो इसका ऑडियो एंड वीडियो क्वालिटी जो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाती है। और फ्रेंड सैमसंग के अंदर आप जो 4K 30 FPS तक जो वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो जबकि OnePlus के अंदर ये ऑप्शंस अवेलेबल है ही नहीं। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि किसका कैमरा क्वालिटी बेस्ट है।
दोस्तों अभी जो आपने फोटोज़ एंड वीडियो सैंपल देखे, मैंने इसी सैमसंग गैलेक्सी M55 और इसी वन प्लस नॉर्ड E4 लाइट के फ्रंट और रियर कैमरे को यूज़ करते हुए क्लिक किए थे। तो गाइज़ आपको इन दोनों में से किसके कैमरा क्वालिटी बेस्ट लगी कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और दोस्तों बात करते हैं मेरे पर्सनल ओपिनियन की, तो मुझे पर्सनली वन प्लस नॉर्ड E4 लाइट का कैमरा क्वालिटी अच्छी लगी। आपको भी इन दोनों में से कोई भी एक स्मार्टफोन जो बाय करना है प्राइस को ध्यान में रखते हुए, तो यू शुड बाय वन प्लस नॉर्ड E4 लाइट। और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं जहाँ पे मुझे वन प्लस की तारीफ ही करनी पड़े। और वन प्लस के अंदर आप जो 4K वीडियोस वगैरह जो शूट नहीं कर सकते हो, बट 4K के बिना भी जो वीडियो क्वालिटी है वो डेफिनेटली बहुत ही सही है, सैमसंग से मुझे अच्छी लगी। बट चॉइस यूजर्स आपकी क्या नीड है, क्या रिकमेंड है, उस हिसाब से कोई भी एक स्मार्टफोन जो बाय कर सकते हो। अदरवाइज जो मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन था वो मैंने आपके साथ शेयर कर ही दिया है। तो इफ यू गाइस के आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि मैं रोजाना ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय बाय फ्रेंड्स।